नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पर। यू नो ही ड्रिंक्स पॉइजन इन द कोर्ट रूम। एंड इन फैक्ट हम लोग जब शुरुआती स्क्रिप्ट्स के अंदर कर रहे थे तो आई सेड दैट लेट्स, लेकिन जब वो एक्चुअली किरदार के अंदर होता है दिमाग बंद हो जाता है, आदमी दिल से देखता है, दिल से सोचता है और कुछ सिर्फ कैमरा दिखाई देता है। ये बात एक टेलीविजन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ आदमी समझ सकता है, मेरे ख्याल से किसी और प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं समझ पाएगा ये चीज़। रवि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लखन लीला भार्गव, बस नाम ही काफ़ी है, तो क्या है ऐसे इस नाम में जो नाम ही काफ़ी है? इस नाम में, ये नाम जो है लीला भार्गव वो है। सो इसकी मदर का नाम जो है वो लीला भार्गव है और लखन इसका है। सो इसके नाम के साथ इसकी माँ का नाम जुड़ा हुआ है, जो इसके लिए इट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर हिम। एंड ही हैज़ एन यू नो ही has an infinite amount of respect for his mother, and that's the most important entity in this character's life. So इसीलिए बस नाम ही काफ़ी है, क्योंकि उसको किसी और नाम की ज़रूरत नहीं है, किसी और बात की ज़रूरत नहीं है, किसी और अपने पिता के नाम तक की ज़रूरत नहीं है इस कैरेक्टर को। सो इट्स अ कैरेक्टर दैट डिजाइंड इन दैट काइंड ऑफ अ लाइट, दैट काइंड ऑफ विद दैट काइंड ऑफ अ हार्ट, विद सम एंग्स्ट इन हिज लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या वजह थी जो आपने सीरीज इस वेब शो को चुना आपने, कि क्या क्या देखा आपने इस वेब शो में, क्या खास था इस वेब शो में? यार मुझे लगा कि इस कैरेक्टर को मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एंड इन टर्न ये कैरेक्टर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो एक म्यूचुअली नरिशिंग रिलेशनशिप मेरे और किरदार के बीच में मुझे दिखाई दी, इसलिए मुझे लगा कि ये किया जा सकता है, दिस कैन बी डन। कैरेक्टर की बात की जाए तो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये, और क्या मतलब फिर आपके रियल लाइफ से कितना सिमिलर दिखता है ये कैरेक्टर? इंडियरिंग कैरेक्टर है यार, इट्स अ वार्म कैरेक्टर, मतलब कि दूसरों के लिए, मतलब इसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ही हैज़ द एबिलिटी टू मेक अदर पीपल स्माइल। थोड़ा उस हंसमुख भी है, कॉमेडी भी करता है, इमोशनल भी बहुत है, गुस्सा भी इसको आता है, तो एक आम आदमी जैसा ही कैरेक्टर है और मैं एक आम आदमी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ शायद। 18 ईयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में, तो कैसे देखते हैं आप अपने सफर को, और टेलीविजन से एंकर, प्रोड्यूसर्स, और फिर उसके बाद जो है रियलिटी शो करना और फिर वेब सीरीज करना, तो कैसे देखते हैं अपने सफर को? ब्रदर, आई सी इट विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द वे द जर्नी हैज बीन। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर द वे इट इज गोइंग एंड आई एम ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर व्हाट इज गोइंग टू टर्न अप। सो ये चीज़ें फोरसाइट से नहीं होती, ये चीज़ें अगर धन्यवाद का भाव आपके अंदर होता है तो होती चली जाती हैं, क्योंकि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम प्रोड्यूसर भी बन जाएंगे, हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये प्रोजेक्ट, जब तक ये शो आया नहीं या कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आता तब तक कहाँ पता होता है कि आप फलाना चीज़ करने वाले हैं। तो आई थिंक आई बिलीव इन ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडरिंग। मैं बहुत ज़्यादा सोच करके अगला कदम नहीं रखता, ना मैंने आज तक रखा है, ना मैं, मेरे ख्याल आगे भी। इस शो की बात की जाए तो हमें पता चला कि एक लंबा मोनोलॉग भी आपने शूट किया है, तो क्या कितना डिफिकल्ट था वो शूट करना आपके लिए, कुछ बताएंगे उसके बारे में? आई थिंक जी, एक लंबा मोनोलॉग यानी कि एक 28 मिनट का मोनोलॉग है जो है शो के भीतर, मतलब एक इट्स अ एसेट दैट वी हैव क्रिएटेड एंड मे बी जब समय आएगा तो ये शेयर भी करेंगे आपके साथ में, और मैं चाहूँगा आप लोग भी देखें। तो ये आई थिंक मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, और जियो सिनेमा में पूरा सहयोग दिया है, और जो प्रोडक्शन भी था हमारा सौरभ तिवारी और केवल जी, और सो दे हैव आल्सो बीन वेरी वेरी सपोर्टिव इन दिस रिगार्ड एंड इट्स एन एक्साइटिंग एसेट दैट वी हैव फॉर द शो। कोर्ट रूम ड्रामा की फिल्मों की बात की जाए तो इससे पहले भी कोर्ट रूम ड्रामास की शोज भी बन चुके हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे फिल्मों में बात की जाए तो दामिनी हुई, पिंक हुई, और भी कई सारी फिल्में हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और भी कई सारे नाम आते हैं, मेरी जंग हुई जी। तो ऐसे सब कैरेक्टर्स से आप कितना इंस्पायर हुए ये शो? मुझे ये कोर्ट रूम ड्रामास बहुत पसंद है, ये जो जो नाम आपने लिए मेरी फेवरेट कोर्ट रूम फिल्म से। मुझे 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 ना मुझे आई थिंक वी हैव एन इनहेरेंट नीड ऑफ सिनेमा, तो वो सिनेमैटिक है इसलिए अच्छी लगती है। मेरी जंग, मेरी आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट द सीन इन व्हिच यू नो ही ड्रिंक्स पॉइजन इन द कोर्ट रूम। एंड इन फैक्ट हम लोग जब शुरुआती स्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे तो आई सेड दैट लेट्स, दिस इज आवर टेम्पलेट, दिस इज द बीट दैट वी रेजोनेट विद। इट्स अ सिनेमैटिक कोर्टरूम ड्रामा, इट इज समथिंग जिसके अंदर आपको सारे इमोशनल बीट्स मिलें, आपकी रियलिटी को सस्पेंड कर सके, आप इसे एक फिल्म की तरह कंज्यूम करें, यू नो बहुत एक हाइपर रियलिस्टिक शो की तरह ना समझ के आप पल्प फिक्शन की तरह इसको कंज्यूम करें, वो शो है। इट्स लाइक अ 90s बॉलीवुड फिल्म।
क्या कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर जैसे सलमान खान का कैरेक्टर दबंग रॉबिन हुड का था वैसा कुछ कैरेक्टर है आपका कि क्या है? नहीं वैसा तो नहीं है मतलब, बट हाँ एक तरीके का उदार आदमी है जो अपने से ऊपर दूसरों की खुशी सोचता है तो, और वो बात वो जानता भी है। तो कैंडिडली जैसा आपने टीजर के अंदर ट्रेलर के अंदर देखा होगा कि यहाँ के रॉबिन हुड भार्गव है, यकीन नहीं आता तो किसी भी पूछ लीजिए, तो वो जानता है कि वो ये नेचर है उसका, इसलिए वो बात वो जो है बोल रहा है। OTT की बात की जाए तो पहले जैसे हम देखते थे कि टेलीविजन एक्टर्स रहते थे, टेलीविजन एक्टर्स जो है फिल्मों में आने की कोशिश करते थे, कुछ टेलीविजन एक्टर्स सक्सेसफुल हुए जैसे शाहरुख खान हुए, सुशांत सिंह राजपूत हुए। अब जो है लोग जो है फिल्मों का इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वेब शोज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि कई टेलीविजन एक्टर्स हम देख रहे हैं वेब शोज भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा बून है ये इंडस्ट्री के लिए? बहुत बड़ा बून है यार। आप क्या एक्टर एक्चुअली, अगर ये तो जब एक्टर का दिमाग काम कर रहा होता है तो उसको फिल्में हैं, OTT है, TV है, फलाना है ढमकाना है, उसको दिखाई देता है। लेकिन जब वो एक्चुअली किरदार के अंदर होता है दिमाग बंद हो जाता है, आदमी दिल से देखता है, दिल से सोचता है, और उसको सिर्फ कैमरा दिखाई देता है, सिर्फ कैमरा दिखाई देता है और कुछ नहीं। अब वो कैमरा कोई भी रख दे आपके लिए, कोई ना रखे तो आप खुद रख दीजिए अपने लिए, यू नो। तो वो तो ये सब इल्यूजन है, ये सब बाइफरकेशन, ये सब इल्यूजन्स हैं, ये दे डोंट हैव एनी रियल मेरिट। टेलीविजन की बात की जाए अगर तो मतलब कि एक हमने कई लोगों से पूछा कि टेलीविजन कितना, सब लोग बोलते हैं बहुत टफ रहता है टेलीविजन में काम करना क्योंकि आपको कंटिन्यूसली काम करना रहता है, तो आपके हिसाब से कितना टफ है और कितना? टेलीविजन अगर आप उसमें से डेडलाइंस निकाल दें, अगर आप उसमें से कि रोज एक टेलीकास्ट जाना ही जाना है, यू नो, अगर वो बात आप निकाल दें, इतना समय दे दें कि टेलीविजन की स्क्रिप्ट इन एडवांस बन सकें, तो फिर टेलीविजन एक इतना सुंदर मीडियम है, उस कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता ऐसा मीडियम है टेलीविजन। द ओनली वन थिंग जो उसका सबसे बड़ा एसेट भी है, जिसकी वजह से टेलीविजन के एक्टर्स हों, टेक्नीशियंस हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, उनका रियाज इतना पुख्ता हो जाता है क्योंकि उनको पॉसिबल है ना केवल इस चीज़ को किया जा सकता है इतने ही समय में और इतने ही पैसे के अंदर किया जा सकता है। ये बात एक टेलीविजन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ आदमी समझ सकता है, मेरे ख्याल से किसी और प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं समझ पाएगा ये चीज़। सो ये है, बट वो डेडलाइंस होने की वजह से हाँ काम करना सिर्फ इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको रोज पकाना है, रोज परोसना है, रोज पकाना है, रोज खाना है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। लास्टली इंडस्ट्री की बात की जाए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, सिनेमा की बात की जाए, तो अभी तक कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके थिएटर में नहीं जाएगा, पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं और इतनी अच्छे काम कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि अब लोग थिएटर में जा रहे हैं? ऑफ कोर्स जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। और सिनेमा कांट बी रिप्लेस्ड, सिनेमा इज द एंड सिनेमा कैन नॉट फेल, वो तो वो अपने तरीके से इवॉल्व होकर के वापस आ जाएगा, हमेशा ही आ जाएगा, हमेशा ही आया है। सो लुक एट दिस ईयर, इट्स बीन सच अ फैंटास्टिक ईयर फॉर इंडियन सिनेमा। आप ये हफ्ता ही देख लीजिए, फॉरगेट अबाउट ये साल तो छोड़ दीजिए, ये जो पिछला हमारा ये जो इंडिपेंडेंस डे से प्रायर जो पूरा वीक रहा है, whether it is oh my god that's doing so well, Gadar that's doing so well, Jailer that's doing so well, and you know I mean so wo halka sa kya hai na ki thoda utar chadhav agar aap logon ke jeevan mein aa sakta hai to ek industry ke andar cinema ke andar bhi aa sakta hai, lekin ek 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 kharab din pe aap puri industry ko judge nahi kar sakte। Jaise maine aapko characters ke naam diye the to aapko kaun inspire karta hai, aap किसके थ्रू इंस्पायर होकर आपने ये रोल किया? मतलब मैं बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाता हूँ, मुझे जिससे इंस्पायर मतलब मुझे आपसे अगर कुछ इंस्पिरेशन लेनी होगी तो मैं तुरंत कुछ ना कुछ आपके भीतर ऐसा ढूंढ लूँगा, चाहे वो आपकी ह्यूमिलिटी हो या सादगी हो, जैसे बैठे हैं आप, कुछ ना कुछ से मैं इंस्पायर हो ही जाऊँगा। बट हमारे पास तो इतने सारे एक्टर्स हैं इंडियन सिनेमा के अंदर कि आप हर किसी से थोड़ा थोड़ा लें तो आपका कभी भी आपका घड़ा कभी खाली रह ही नहीं सकता। सो डेफिनेटली मिस्टर बच्चन, कमल हसन सर, रजनीकांत सर, गोविंदा सर, अनिल कपूर सर, यू नो, ये जो जो लाइक आई सेड, दिस इज अ 90s फिल्म एंड दैट्स द वाइब इट हैज। सो द फिल्म्स दैट यू हैव सीन, वी हैव ट्राइड टू एक्चुअली काइंड ऑफ गिव यू द सेम इमोशनल पैलेट, द सेम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ अ फील। लास्टली क्या USP रहेगी इस फिल्म को और क्यों लोगों को देखना चाहिए? USP यही है कि आप क्या USP हो सकती है, USP ये है कि हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के शो बनाया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत प्यार से बनाया है, ऐसा शो है जो कम होते हैं कि आप बिना किसी झेप के पूरे परिवार को बिठा करके बैठ करके आप देख सकते हैं।
इन्जॉय कर सकते हैं. कॉमेडी भी है, सेंटिमेंट भी है, इमोशन भी है, दिल टूटना भी है, दिल लगना भी है, हर एवरीथिंग इज़ देयर. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? बस लखन लीला भार्गव पे पूरा प्यार बरसाइए, मेक इट अ मेगा हिट शो.